नमस्कार, न्यूज एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में ड्रग्स को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस के सवाल, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी के द्वारा सवाल उठाए गए, और अगर जानकारी सरकार को थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर जानकारी नहीं थी तो इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी, इस तरह के सवाल किए गए। कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के सौदागरों की डिटेल्स होने की बात कही थी, और मध्य प्रदेश में ड्रग्स मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। हालांकि उससे अलग यदि स्थिति को देखें तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करने का दावा किया जा रहा है, और ऐसे में कई बड़े मामलों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि इस तरह का अगर फैक्ट्री का संचालन होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बातें सामने जरूर आई हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द इसके सभी दोषी कानून के सामने बेबस और लाचार खड़े नजर आएं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बातें हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने सवाल उठाए थे, अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और इस पूरे मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के सौदागरों की डिटेल्स होने की बात भी कही थी, और इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों ही के एक्सपोज जो किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पेज पर, और इसमें कुणाल चौधरी ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया है, अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार, इस तरह का सवाल। और इस पूरे मामले के स्थिति वह वर्तमान में क्या है, बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, जो अब नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस नशे के खिलाफ कार्रवाई तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इस पर सियासत भी पूरे चरम पर है। कैलाश विजयवर्गीय के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कुणाल चौधरी कई तरह के सवाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए आशीष, मध्य प्रदेश में लगातार ड्रग्स और नशे को लेकर जो सियासत है वो गरमाई हुई है, खासतौर पर जब भोपाल में एमडी ड्रग्स का मामला सामने आया। 1800 करोड़ का जो जाखिरा है वो पकड़ा गया, और उसके अलावा फिर 170 करोड़ रुपए के करीब का जो ड्रग्स है वो झाबुआ से पकड़ा जाता है। लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है सरकार पर, कई धरने प्रदर्शन आंदोलन भी देखने को मिले। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर सीएम की मौजूदगी में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ड्रग्स का जो रैकेट है उसका प्रतापगढ़ से कनेक्शन है और वहां से भी ड्रग्स आता है, और मुझे तो नाम भी पता है उन लोगों के जो इस पूरे कारोबार में लिप्त है, इस तरीके की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और उसी वीडियो की जो क्लिपिंग है वो कुणाल चौधरी ने, जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उन्होंने पोस्ट की है, और पोस्ट करते हुए तमाम जो सवाल हैं वो सरकार के ऊपर खड़े किए हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को अगर नाम पता है तो वो मुख्यमंत्री को बताएंगे, और मध्यप्रदेश की पुलिस वहां पर कार्रवाई करने का काम करेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि भोपाल के जो अधिकारी हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और जल्द से इस पूरे रैकेट को तोड़ना चाहिए। तो अब ये मामला जो है वो अपने आप में काफी गंभीर हो चला है, और कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर नजर आ रही है। लगातार प्रदेश की सरकार पर, पुलिस पर और इंटेलिजेंस पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का, बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अपनाया जा रहा है। भोपाल मामले में अगर आप देखें तो जो आरोपी हैं उनको जेल भेजने का काम किया गया है, उनकी निशानदेही पर रोज भी जो ये जांच है, जो तफ्तीश है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्दी इस पूरे रैकेट का जो भांडाफोड़ है वो किया जाएगा। इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उन तक भी पुलिस पहुंचने का काम करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स हो तो 4-5 लोग तो सिर्फ चला नहीं सकते, उसमें और भी ज्यादा लोगों का निश्चित तौर पर इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, चाहे रॉ मटेरियल की सप्लाई की बात हो, चाहे ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, और फिर उस ड्रग्स को सप्लाई करने की बात हो। और सबसे बड़ा सवाल
क्या सिर्फ मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग राज्यों में भी भोपाल से ये जो पूरा ड्रग्स है या इसका जो कारोबार है वो संचालित होता था, वहां पर फैलाया जाता था, और अगर ऐसा होता था तो इसमें कौन कौन लोग लिप्त थे और उनकी क्या क्या भूमिका थी, ये सारे सवाल जो है वो फिलहाल अभी भी बने हुए हैं, जिनकी पड़ताल, जिनकी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल सियासत तो इस पूरे मामले पर आशीष होती रहेगी, लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा रैकेट पकड़ाए और एक एक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में हो, कानून के सामने, जैसा आपने कहा, कि बेबस खड़ा हुआ नजर आए तो ही एक जो पूरी पीढ़ी है, जो युवा है, जो कहीं ना कहीं इस बड़े नशे के कारोबार की चपेट में आ सकते हैं, उन्हें बचाया जा सकेगा। जी पासु, ये जो परिस्थितियां इस वक्त न सिर्फ सरकार बल्कि पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस और हर आम और खास के सामने है, इसमें ये नशे का जो जहर यहां पर बन रहा था या जो सप्लाई हो रहा था उसके पीछे जो भी लोग हों उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहां से निकलने वाला नशे का ये जहर न जाने कौन युवा पहली बार लेता और कौन आखिरी बार, लेकिन अब यहां पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के जो भी रैकेट्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो भी ऐसे मामलों में लिप्त लोग हैं, उन पर एक्शन होना ही चाहिए। वासु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में 3 आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया, जबकि 26 अक्टूबर तक तीनों ही आरोपी जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। तो वहीं मुख्य आरोपी शोएब लाला अभी भी फरार है। साथ ही फैक्ट्री मालिक जयदीप की बात करें तो इस पूरे मामले में तलाश लगातार की जा रही है और इस पे अभी शोएब के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी फरार है। और आपको बता दें कि शोएब लाला को ढूंढा जा रहा है, जयदीप को ढूंढा जा रहा है। 26 अक्टूबर तक तीन जो आरोपी हैं वो जुडिशियल कस्टडी में हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पूछताछ में उन्हीं की निशानदेही पर इन दो अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। और चूंकि 26 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में हैं सभी, और अभी चूंकि मुख्य आरोपी शोएब लाला को भी पकड़ा जाना बाकी है, तो उसके बाद क्या कुछ बड़े तथ्य सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी वासु चौरे जिक्र कर रहे थे कि इतना बड़ा रैकेट इतने बड़े पैमाने पर, जहां एक जगह 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स है, एक जगह 170 करोड़ लगभग रुपए के ड्रग्स है, तो ये स्वाभाविक सी बात है 2, 4, 5, 10 लोगों से हैंडल होने वाला काम नहीं है। क्योंकि जहां इतने बड़े पैमाने पर अमाउंट इन्वॉल्व हो, वो स्वाभाविक से बात है कि बड़े पैमाने पर ज्यादा लोगों के साथ संचालित किया जा रहा हो सकता है। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। उपचुनाव को लेकर पार्टीज पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी हैं। बुधनी विजयपुर उपचुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस आज भी ग्राउंड जीरो पर मंथन करेगी प्रत्याशियों के चयन के लिए, और स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी चयन पर फोकस है कि स्थानीय हो उम्मीदवार जो भी चुनाव लड़े, ताकि स्थानीय लोगों से उसका कनेक्ट, उसका संपर्क बना रहे। और ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिहाज से एक बूस्ट का काम करेगा यदि कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव दिखा पाती है। और चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है और ऐसा इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है अमूमन वहां होने वाले उपचुनाव उसी के पक्ष में जाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो रीजन है, जो मनोवैज्ञानिक कारण है, वो लोगों में यही होता है कि अगर सरकार का चुनाव हुआ, सरकार का पार्टी का व्यक्ति चुनकर हम भेजेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारा काम कर पाएगा, बजाय इसके कि वो विपक्षी दल के किसी नेता को चुने। लेकिन ये कई बार भ्रम टूटे भी हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, बुधनी और विजयपुर, ये दो महत्वपूर्ण सीट है। विजयपुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता अब बीजेपी के नेता के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और बुधनी चूंकि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है तो वो अपना साख बचा पाएगी, धाक जमा पाएगी। इस बारे में जरूर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही होगी, अभी क्या तैयारियां चल रही ग्राउंड पर?
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा आशीष, और एक बड़ा अपडेट मैं दे दूं, आज संभवतः मध्यप्रदेश में जो दो उपचुनाव होने हैं बुधनी और विजयपुर, उनकी घोषणा जो है वो हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ लगातार ये बात सामने आ रही थी कि मध्यप्रदेश में भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। आज शायद इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, तो उसी बीच ये घोषणा हो सकती है। रही बात जो आपका सवाल था, बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए एक बूस्ट का काम ये चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि राह कांग्रेस की जरूर कठिन है, चुनौती बहुत बड़ी है। बुधनी लगातार बीजेपी गढ़ रही है, शिवराज सिंह चौहान वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे, चुनाव जीतते रहे और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई सालों तक काम किया, तो वहां पे बीजेपी का एक गढ़ बन चुका है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस को एक नए चेहरे की, एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो वहां के तमाम जातीय सियासी और जो क्षेत्रीय समीकरण है उन पर वो खरा उतरे, और उसके साथ ही बीजेपी की जो कड़ी चुनौती है, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं वो दिग्गज नेता है, रमाकांत भार्गव का नाम सामने आया है जो विदिशा से सांसद हुआ करते थे, कार्तिकेय चौहान जो बेटे हैं शिवराज सिंह चौहान के पूर्व विधायक का नाम भी पूरे वहां पर इलेक्शन में सामने आ रहा है, जिनकी वहां पर अच्छी खासी जो पकड़ है वो मानी जाती है। कांग्रेस के चेहरों की बात करें तो राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री रहे, विक्रम मसाल जो टीवी एक्टर थे और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एक दो चुनाव वो लड़ भी चुके हैं, उनका नाम वहां पे है। महेश राजपूत का नाम भी है, एक नया चेहरा वो हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नेता है जो वहां से दावेदारी कर रहे हैं। विजयपुर कांग्रेस के बड़े नेता थे रामनिवास रावत, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बीजेपी में वो चले गए, तो उनके साथ वहां का कैडर भी जो है कांग्रेस पार्टी का, जो वहां के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से अपना संगठन रीबिल्ड करना है, और न सिर्फ रीबिल्ड करना है बल्कि वहां पर रामनिवास रावत के सामने जो बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार होंगे, एक बड़े चेहरे को वहां पर, एक नए चेहरे को वहां पर उतारने की भी कांग्रेस को जरूरत होगी, ताकि वहां पर कड़ी टक्कर दे सके। कांग्रेस की नई टीम यानी कि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष बने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, उनकी अगुवाई में कांग्रेस को अब भी पहली जीत की तलाश है। पूरे 29 लोकसभा चुनाव आपने देखे, कांग्रेस का मध्यप्रदेश में सूबड़ा साफ हो गया, वही अमरवाड़ा का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ वहां पे भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस को की नई टीम को पहली जीत, पहली सफलता की तलाश है। तो वही बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो जीत का सिलसिला चला आ रहा है वो लगातार इन उपचुनावों में भी बना रहा है। जी स्वाभाविक है, और निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, आगे ये क्या कोई बदलाव लेकर आती हैं वासु, या फिर ये यथावत बनी रहेंगी, ग्राउंड पर क्या स्थिति रहेगी, ये सब जानने के लिए हम समय समय पर आपसे संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सूरजपुर से एक बड़ी खबर, जहां डबल मर्डर मामले के बाद से लगातार इलाके में तनाव का माहौल कायम है। दरअसल कलेक्टर आईजी ने शांति समिति की बैठक ली, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, और प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या का ये पूरा मामला, जिसमें कि ये पूरा घटनाक्रम अभी एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, और इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए लगातार कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों को शांत बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या से जुड़ा मामला है, और लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वरुण, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अभी क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए? आशीष, देखिए जिस तरह से प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी का कल हत्या हुआ, और उसके बाद से पूरे जो लोगों का, पूरे स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़कों पर जो नजर आया, ये हालात पूरे दिन भर बने रहे। देर शाम फिर जब सरगुजा आईजी और सूरजपुर कलेक्टर ने मोर्चा संभाला, उसके बाद किसी तरह से वहाँ स्थानीय लोगों के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, वहाँ स्थिति को निर्मित करने के लिए सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों से पुलिस बल मंगाए गए। उसके बाद स्थिति सामान्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये थी कि मतलब वो जो भीड़ जो सड़कों पर थी वो नजर नहीं आई, और उसके बाद लगातार जो शांति समिति की बैठक ली गई, उनसे अपील यही किया गया कि फिलहाल जो है संदेही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द करके पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा, ये इस तरह के आश्वासन दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हत्या हुआ था कि प्रधान आरक्षक की पत्नी और बीवी घर में अकेले थे, और उनके घर में ही घुसकर पहले घर में हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद सूरजपुर जिले से 7 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर शव को फेंक दिया जाता है, तो ये पूरा मामला था। और जहां आज जो है कि जो प्रधान आरक्षक की पत्नी और
और जो उसकी बेटी की जो हत्या हुई उनके आज अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मनेंद्रगढ़ में होगा। उसके बाद भी एक चिंता का विषय जताया जा रहा है कि अगर फिर से इस पूरे कार्यक्रम के बाद भी अगर कहीं लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो उसके लिए जो है कलेक्टर और IG जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिलहाल जो है वो अपना जल्द से जल्द वो अपनी कार्रवाई करेंगे, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होगी और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और जगह जगह जो है पुलिस बल पूरे सूरजपुर जिले में ही तैनात कर दिए गए हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अंबिकापुर में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। पहले पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका सेवन करने के लिए उसे मजबूर किया गया और उसके बाद उसके साथ कुकृत्य किया गया। दरअसल वो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने, रावण दहन देखने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रावण का पुतला तो जल जाएगा लेकिन उसी की सोच वाले कुछ अहिरावण वहां पर मौजूद होंगे। क्योंकि रावण का पुतला जलाकर हम ये मान लेते हैं कि रावण की वो सोच खत्म हो गई, लेकिन उसी सोच के साथ, उसी तरह की विचारधारा के साथ आम लोगों में घुले मिले इस तरह के अहिरावण लगातार समाज को दूषित कर रहे हैं और इस तरह बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, कड़े कानून और सभी तरह की बातें होती हैं लेकिन सिर्फ बातों ही तक वो सीमित रह जाती हैं और ये समाज में बैठे हुए राक्षस बच्चियों की जिंदगी हलाक कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने पहले छात्रा को मारने की कोशिश की और उन्हें जब ये विश्वास हो गया कि ये मर चुकी है, वो उसे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए, लेकिन उनका काल नज़दीक था इसलिए उस बच्ची की जान बच गई। और अब परिजनों ने आरोप ये भी लगाया कि एक परिचित था जिसने बच्ची को बहलाया फुसलाया और नशीला पदार्थ पिलाया। पीड़िता मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में इलाज करवा रही है, उसके संबंध में वहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसको सूचना प्राप्त हुई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया है। थाना प्रभारी मणिपुर को वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुँच करके जो स्थिति है उसका जायजा लेकर के उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी वहाँ पर जिस तरीके के जांच में और बयान में बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है आज दोपहर 3:30। आपको बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान साथ के साथ होगा। और यहां मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें बुधनी और विजयपुर, 2 विधानसभा सीटें जिस पर कि उपचुनाव होना है। और जानकारी मिल रही है कि भारतीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी सर्वसाधारण के लिए जारी कर सकता है। आज दोपहर लगभग 3:30 चुनाव आयोग के द्वारा ये जानकारी दी जा सकती है और संभावना ये है कि झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर और साथ ही महाराष्ट्र के या झारखंड के अलावा कई राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं, संभव है कि उनके बारे में भी आज जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जाए, जिसमें कि विशेषकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीटों पर उपचुनाव होने। अशोक काजमी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, 3:30 का समय तय हुआ है, क्या खबर पक्की है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा झारखंड और महाराष्ट्र का, तो उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में भी बात कर सकते हैं, उनकी भी तारीखों को ऐलान किया जा सकता है। और बहुत संभावना है कि चुनाव होने हैं, पूरे है 2 सीटें हैं यहाँ पर चुनाव होना है। विजयपुर से रामनिवास रावत साहब कांग्रेस छोड़ के जब भाजपा में आए तो वो खाली हुई और इससे पहले बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब सांसद का चुनाव लड़ा और जीते तो उनकी वजह से ये सीटें खाली हुई हैं, तो यहाँ पर चुनाव होना है। तो बस अब आज दोपहर तक का इंतजार करना है और फिर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव कब होगा और नतीजे कब आएंगे। स्वाभाविक है अशरफ, और चूंकि लोगों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसके बाद एक बूस्ट मिलता है कि अब एक टारगेट आपको मिल गया है कि फला तारीख को आपको
वोट डालने के लिए जाना है और अपने कैंडिडेट्स को तैयार करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज, और जब ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी होने वाले उपचुनाव को लेकर जानकारी साझा की जा सकती है। अशरफ, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स इस विषय पर हम आपसे लेते रहेंगे और आज दोपहर लगभग 3:30 बजे संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग इस बारे में घोषणा करे। और बढ़ते हैं आगे, राजनाथ गांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग से पूछताछ हो रही है। दरअसल धमकी देने वाला नाबालिग राजनाथ गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। नाबालिग के मोबाइल से भी कई सबूत मिले हैं। मुंबई पुलिस की टीम राजनाथ गांव पहुंची और राजनाथ गांव पुलिस के सहयोग से मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है। नाबालिग को लेकर जांच करने वाली टीम मुंबई रवाना हो गई है और फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देने वाला कोई और नहीं, एक नाबालिग था और उसके फोन से उस बात के भी कई साक्ष्य मिले हैं। और ये करने के पीछे आखिर उसका क्या उद्देश्य था और या फिर किसी साजिश का वो हिस्सा है, ये भी देखने का विषय होगा। और नाबालिग के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं। राजनांदगांव से ये पूरा मामला सामने आया और इस तरह के गंभीर अपराध इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अपराध भी एक नाबालिग यदि करता है तो इसकी गंभीरता को और गहराई से समझना होगा। अब टीम जो है आरोपी को लेकर मुंबई रवाना हो गई है, उसके मोबाइल फोन से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर अब जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस बात का खुलासा भी होगा कि ऐसा करने के पीछे क्या उसकी मंशा सिर्फ टेंशन गेन करने की थी या कोई है जो उसे बहका रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, काम तो ये नाबालिग ने किया लेकिन इसके पीछे कई तरह की आशंकाएं जाहिर हो रही हैं, मसलन ये उससे किसी ने करवाया या फिर ये उसकी शरारत का महज एक उपज भर था। जी हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कुछ दिन पूर्व मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी जो फ्लाइट, उसका इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में कराया गया था, ये उसी फ्लाइट से जुड़ा हुआ मामला है जिसके लिए मुंबई की जो टीम है वो पहुंची हुई है और पूरे मामले में जांच करके जो नाबालिग है उसे लेकर मुंबई रवाना हो गई है टीम। वही आपको बता दूं कि ये जो नाबालिग जो है उसके खिलाफ और भी कोतवाली में मामले दर्ज हैं। इन्होंने कई जो सोशल मीडिया अकाउंट है लोगों को उसको हैक करके कई बार ऐसी शरारत की है और लगातार इसकी शिकायत के मामले। हम इसे शरारत नहीं कह सकते, इसे हम आदतन अपराधी कहेंगे, जो कि आप बता रहे हैं कि उससे पहले भी वो इस तरह की कई कृत्य कर चुका है सोशल मीडिया पर, तो भले ही उम्र कम हो लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो क्रिमिनल वाली है और अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन और एजेंसी इससे कैसे निपटती है। बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।